देश बचाना है, संविधान बचाना है। कौन सी ऐसी बात है जो बाहर निकल जाएगी इस जांच में, जिससे पश्चिम बंगाल की सरकार हिल सकती है? पश्चिम बंगाल की राजनीति में 3 फरवरी 2019 की तारीख ने अपना स्थान बना लिया है। जब जब बीजेपी और ममता बनर्जी के टीएमसी के रिश्तों की चर्चा होगी तो इस तारीख को याद किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के सबसे चर्चित चिटफंड और रोज वैली घोटाले की जांच कर रही सीबीआई के अधिकारियों को ही ममता बनर्जी की पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी की रैली में उमड़ी भीड़ से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री परेशान हो गई है। कोलकाता के राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि पीएम मोदी के हालिया पश्चिम बंगाल दौरे पर आयोजित रैलियों में अप्रत्याशित भीड़ थी। वहीं ममता बनर्जी का कहना है कि कोलकाता में आयोजित विपक्ष की रैली के कारण सीबीआई उन्हें परेशान कर रही है। लेकिन हाल के दिनों में बीजेपी का बंगाल में तेजी से उभार हुआ है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटें जीती हों, लेकिन बीजेपी के वोट शेयर में लगभग 11% का इजाफा हुआ। ये परिवर्तन 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 10.16% वोट मिले, जबकि 2011 में ये महज 4% के करीब था। 2014 के आम चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में लोकसभा और विधानसभा की एक एक सीट पर उपचुनाव हुए। बीजेपी को इन दोनों ही सीटों पर भले ही जीत नसीब नहीं हुई हो, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार दूसरे स्थान में आने पर सफल रहे। उलुबेरिया लोकसभा और नोआपाड़ा विधानसभा सीट पर सत्तारूढ़ टीएमसी को जीत मिली। लेकिन उलुबेरिया लोकसभा सीट के आंकड़ों पर गौर करें तो यहां 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को महज 11.5% वोट मिले थे, जबकि उपचुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर 23.29 हो गया। नोआपाड़ा विधानसभा सीट पर भी बीजेपी ने कुछ ऐसा ही प्रदर्शन किया। इस विधानसभा सीट पर बीजेपी को 2016 की तुलना में लगभग 8% अधिक वोट मिले। इन दोनों सीटों पर टीएमसी के वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई, लेकिन लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के वोट प्रतिशत में काफी गिरावट आई। पश्चिम बंगाल में बीते वर्ष हिंसक वारदातों के बीच ग्राम पंचायत का चुनाव संपन्न हुआ। कुल 31,457 सीटों के लिए वोट डाले गए। इनमें से टीएमसी ने 21,110 और बीजेपी ने 5,747 सीटों पर जीत हासिल की। बाकी सीटें लेफ्ट और निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीती थी। गौरतलब है कि माओवादी और आदिवासी बहुल इलाकों को लेफ्ट का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन पंचायत चुनाव में इन इलाकों में भी उन्हें निराशा हाथ लगी। नक्सल प्रभावित पुरुलिया और झारग्राम में बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। बीजेपी ने पुरुलिया की 1,944 में से 644 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं झारग्राम में 806 में से 329 सीटों पर विजय पताका लहराया था। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह लगातार सक्रिय है। बीजेपी 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बंगाल से खासी उम्मीद लगाए हुए है, और बीजेपी की यही उम्मीद ममता बनर्जी को अपने लिए राजनीतिक खतरे के रूप में दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।